Dear students, welcome back. This is our lecture number 3 of abstract algebra. इसके part 1 में हम group 3 को discuss कर रहे थे. आज इस lecture में हम examples of groups and examples of abelian groups को discuss करेंगे. अगर आपने अभी तक channel को subscribe नहीं किया, तो channel को subscribe करें. Video को like और share. First example है, shows that g is equal to a plus b 2 square root where a and b belongs to q. यानी जो a और b है students, ये rational numbers हैं, is a group with respect to addition. तो हमने इस g को with respect to addition एक group prove करनी है. और इसमें elements किस किस्म के हैं, a plus b 2 square root, इस फॉर्म में इस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं. तो हमने इस जी सेट को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक ग्रुप प्रूफ करना. अब यहां पर पहली प्रॉपर्टी हम प्रूफ करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी. अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू जी. अब एक्स स्टूडेंट्स किस फॉर्म में होगा, ए प्लस बी 2 स्क्वायर रूट की फॉर्म में, और जो वाई होगा वो सी प्लस बी 2 स्क्वायर रूट की फॉर्म में होगा. यानी यहाँ पर जो a प्लस बी 2 स्क्वायर रूट है, ये इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे स्टूडेंट्स इस g में, वो तो सारे के सारे इस फॉर्म में होंगे. तो यहाँ पर हमने कोई x और y एलिमेंट्स लिए हैं सेट g से, वेयर a b c d बिलोंग्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स. अब ये जो q है स्टूडेंट्स, ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं. यहां से जो हमने ए बी सी डी लिए हैं, ये सारे के सारे सेट ऑफ रैशनल नंबर से बिलोंग कर. नो एक्स प्लस वाई, ये स्टूडेंट्स क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है कि हम अगर कोई इसे दो एलिमेंट्स लेते हैं जो है जी से, देन एक्स प्लस वाई ये भी जी से बिलोंग करना चाहिए. देन वी से दैट क्लोजर प्रॉपर्टी इज होल्ड. देखें एक्स प्लस वाई का आंसर क्या आता है, ए प्लस बी 2 स्क्वायर रूट प्लस c प्लस डी 2 स्क्वायर रूट. अब यहां स्टूडेंट हम लिख सकते हैं a प्लस सी को, फिर प्लस b प्लस डी, और ये जो 2 स्क्वायर रूट है इसको आप कॉमन लें, तो ये हमारे पास क्या बनता है, a प्लस सी प्लस b प्लस डी 2 स्क्वायर रूट. और ये जो स्टूडेंट्स एलिमेंट यहां पर हमें हासिल हुआ है, जब हमने दो एलिमेंट्स को ऐड किया, तो ये जो उसका रिजल्टेंट है ये भी जी से ही बिलोंग करते हैं. बिकॉज जी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसी फॉर्म में ही मौजूद हैं. यानी अगर आप ए प्लस सी को कोई और नाम दे दें, बी प्लस डी को कोई और नाम दे दें, फॉर एग्जांपल आप इसको ई का नाम दे दें, और इसको अगर आप एफ का नाम दे दें, देन आप देख सकते हैं ये बन जाएगा ई प्लस एफ 2 स्क्वायर रूट. और यही जी के एलिमेंट्स की भी इसी फॉर्म में है. तो ये जो एलिमेंट असल होगा x प्लस वाई, ये भी g से ही बिलोंग है. बिकॉज d प्लस बी एंड c प्लस a या a प्लस सी आर एलिमेंट्स ऑफ रैशनल नंबर्स. अगर आप कोई से दो नंबर्स रैशनल नंबर्स को ऐड करें तब भी वो रैशनल नंबर होगा. तो यहां पर देखें जो a b c d ये सारे रैशनल नंबर थे, अगर आप उनको सम करेंगे देन वो नंबर भी क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा. तो जो ये स्टूडेंट्स x प्लस वाई आया है, ये एलिमेंट ये g से ही बिलोंग करेगा. थस x प्लस वाई बिलोंग्स टू g फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू g. देयरफॉर g इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. अब जो g सेट है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक क्लोज सेट है. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम सेटिस्फाई करते हैं. The elements of G are all real numbers. An addition of real number is associated. अब जितने भी स्टूडेंट्स G के एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे रियल नंबर्स की फॉर्म में हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, और जो रियल नंबर्स हैं इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. मीन अगर ये स्टूडेंट्स क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी. तो अगर आप x, y, z कोई तीन एलिमेंट्स ले लें सेट G से,
तो अगर आप यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करें तब वो होल्ड कर देगा। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, वी हैव 0 प्लस 0 टू स्क्वायर रूट बिलोंग्स टू जी, बिकॉज यहाँ पर जो 0 है स्टूडेंट्स वो सेट ऑफ रैशनल नंबर से बिलोंग करता है। ये जो एलिमेंट है 0 ये सेट ऑफ रैशनल नंबर से बिलोंग करता है, तो हम जो a प्लस बी टू स्क्वायर रूट है उसको स्टूडेंट्स इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी a की जगह 0 और b की जगह 0, और ये जो एलिमेंट होगा स्टूडेंट्स ये g से ही बिलोंग करेगा, बिकॉज हमने जो g में एलिमेंट्स डिफाइन किए हैं वो है a प्लस बी टू स्क्वायर रूट और a और b सेट ऑफ रैशनल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि 0 सेट ऑफ रैशनल नंबर से बिलोंग करता है, देन 0 प्लस 0 टू स्क्वायर रूट दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू जी एंड दिस एलिमेंट इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑफ जी। अगर आप इस एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट में ऐड करेंगे तो हमें वही एलिमेंट आ सकेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आइडेंटिटी एलिमेंट को इसमें ऐड करता हूँ, देन देखें जो हमें यहाँ पर रिजल्ट हासिल हो रहा है वही एलिमेंट हासिल होगा। आप इस एलिमेंट को आप जो आइडेंटिटी एलिमेंट है आप इसमें ऐड करें, देखें हमें वही एलिमेंट हासिल हो रहा है। सो अब जो 0 प्लस 0 टू स्क्वायर रूट इज आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ये क्या है स्टूडेंट्स एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। फोर्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, हमने तीन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर ली हैं, हम लास्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। वी हैव ए प्लस बी टू स्क्वायर रूट बिलोंग्स टू जी, दिस इंप्लाइज दैट माइनस ए प्लस एन टू माइनस बी टू स्क्वायर रूट बिलोंग्स टू जी। तो ये स्टूडेंट ये जो नंबर होंगे ये भी अगर ए और बी सेट ऑफ रैशनल नंबर से बिलोंग करते हैं देन ये एलिमेंट्स भी सेट ऑफ रैशनल नंबर से बिलोंग करेंगे, तो इस एलिमेंट का ये इनवर्स होगा। तो अगर आप ये यहाँ पर मैंने बता दिया कि अगर ए और बी सेट ऑफ रैशनल नंबर से बिलोंग करते हैं देन माइनस ए वो माइनस बी भी सेट ऑफ रैशनल नंबर से बिलोंग करेंगे। तो अगर आप ए बी की जगह माइनस ए माइनस बी रिप्लेस करें देन दिस एलिमेंट इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ दैट एलिमेंट, तो इस एलिमेंट का ये एलिमेंट इनवर्स होगा। अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो हमें क्या हासिल होता है एक आइडेंटिटी एलिमेंट हासिल होता है। तो यही इनवर्स की प्रॉपर्टी थी कि आप इनवर्स एलिमेंट को उसी एलिमेंट में आप ऐड करें तो हमें क्या मिलते हैं आइडेंटिटी मिलते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सो माइनस ए प्लस एन टू माइनस बी टू स्क्वायर रूट इज इनवर्स ऑफ ए प्लस बी टू स्क्वायर, तो ये इसका इनवर्स एलिमेंट है। सो जो सेट जी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन स्टूडेंट्स एक हमारे पास ग्रुप है, बिकॉज ये ग्रुप की फोर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। जो हमारे पास यहाँ पर जी सेट में गिवन था यहाँ से जो ए और बी सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बिलोंग कर रहे थे ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक ग्रुप बना रहे। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स रियल नंबर्स फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। देखें स्टूडेंट्स ऊपर हमने देखा जो सेट जी था वो एक ग्रुप था, इसमें जो भी एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे रैशनल नंबर से ही बिलोंग कर रहे थे, यानी ए भी रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहा था और बी भी रैशनल नंबर से। जो सेट ऑफ रैशनल नंबर था स्टूडेंट्स ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक अबेलियन ग्रुप होता है, आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर आप कोई से दो रैशनल नंबर लें उनको आप ऐड करें तब भी जो हमें हासिल होगा रिजल्टेंट वो भी हमारे पास एक रैशनल नंबर होगा, तो इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाएगी, इनवर्स भी होगा और आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा। जीरो स्टूडेंट्स क्या होगा यहाँ पर एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। सो सेट ऑफ रैशनल नंबर एक विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक अबेलियन ग्रुप होगा। इस तरह सेट ऑफ रियल नंबर्स ये भी हमारे पास क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक अबेलियन ग्रुप, आप इसको चेक कर सकते हैं। आप कोई से एलिमेंट्स लें उन पर आप क्या करें ग्रुप की अबेलियन ग्रुप की जो पांच प्रॉपर्टीज हैं आप उसको सेटिस्फाई कर लें, यानी चार प्रॉपर्टीज बन जाएंगी ग्रुप की और जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो अबेलियन ग्रुप को शो करेगी। अगर कोई सेट
यहाँ पर जो रियल नंबर का सेट है ये उन पांच प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर लेगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो ये एक अबेलियन ग्रुप होगा। एग्जाम्पल नंबर 3, जेड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब ये सेट है जेड, इसको हम कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, तो इसमें स्टूडेंट्स जीरो भी होगा प्लस माइनस भी नंबर होंगे। अब ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक ग्रुप बनाता है, लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इज नॉट फॉर्म अ ग्रुप, ये ग्रुप नहीं बनाता। बिकॉज यहाँ पर स्टूडेंट जो है यहाँ पर देखें इनवर्स प्रॉपर्टी ये होल्ड नहीं करती, यानी इनवर्स प्रॉपर्टी फेल हो जाती है, बाकी अगरचे बाकी सारी प्रॉपर्टीज होल्ड कर जाती है, यानी क्लोजर होल्ड कर जाती है, एसोसिएटिव होल्ड कर जाती है एंड आइडेंटिटी, अगर ये तीनों होल्ड कर जाती हैं, लेकिन यहाँ पर ये इनवर्स वाली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। फॉर एग्जांपल 2 भी हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट है सेट ऑफ इंटीजर्स का, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इसका इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता कि आप मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ए यानी इनवर्स को शो कर रहा है, यानी एक ए ऐसा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता कि ए डॉट टू विच इज इक्वल टू 2 डॉट a विच इज इक्वल टू 1। यानी हम अगर हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन की, तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हमें कोई एक ऐसा इनवर्स 2 का नहीं मिलता कि आप उनको मल्टीप्लाई करें और हमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट हासिल। सो सेट ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप, ये ग्रुप नहीं बनाता। अलबत्ता ये रिस्पेक्ट टू एडिशन एक ग्रुप बनाता है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। यहाँ पर ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ग्रुप नहीं बनाता, वरना जो विद रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट्स एडिशन ये ग्रुप बनाता। एग्जाम्पल नंबर 4, जी इज इक्वल टू पॉजिटिव इरेशनल नंबर्स विद 1 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पर जो हम ले रहे हैं सेट जी में सारे के सारे इरेशनल नंबर्स हैं विद 1, जिसमें 1 भी शामिल है, यानी पॉजिटिव इरेशनल नंबर्स विद 1। अब ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप एज क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड, अगर चे स्टूडेंट्स बाकी सारी प्रॉपर्टीज होल्ड कर जाती हैं, लेकिन यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही इस सेट के लिए। देखें फॉर एग्जांपल ये 3 जो स्क्वायर रूट है ये इरेशनल नंबर है, पॉजिटिव इरेशनल नंबर है, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन चेक कर रहे हैं, तो आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या हासिल होता है, 3। अब 3 स्टूडेंट्स इरेशनल नंबर नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है, तो मीन जो 3 होगा स्टूडेंट्स इस जी का एलिमेंट नहीं होगा। अगर ये स्टूडेंट्स क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही तो बाकी प्रॉपर्टीज को चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई एक प्रॉपर्टी भी फेल हो जाती है ग्रुप की डेफिनेशन के लिए, देन वो सेट विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट ऑफ ऑपरेशन एक ग्रुप नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, जो हमें गिवन सेट है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप, ये ग्रुप नहीं बनाता, क्योंकि ग्रुप के लिए 4 कंडीशंस मस्ट सेटिस्फाई होना जरूरी है, अदरवाइज उसमें से कोई एक भी सेटिस्फाई नहीं होती देन वो ग्रुप नहीं बनाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, सेट जी इज इक्वल टू 1-1 देन इट फॉर्म्स अ अबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। अब ये जो सेट जी है स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ये एक अबेलियन ग्रुप बनाएगा। आप इसको चेक कर सकते हैं, देखें यहाँ पर आइडेंटिटी भी हमें मिल रही है, तो अगर आप इसका क्ले टेबल बना लें स्टूडेंट्स तो आप इसको इजीली चेक कर सकते हैं कि ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एक अबेलियन ग्रुप बनाएगा। तो इसका क्ले टेबल कैसे होगा, देखें स्टूडेंट यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का निशान आएगा, यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 1 और यहाँ पर माइनस,
तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ये 1 आ जाएगा, ये माइनस 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स, और ये माइनस 1 आ जाएगा, और देखें ये बन जाएगा पॉजिटिव। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो क्लियर प्रॉपर्टी है वो भी होल्ड कर रही है, यानी 1 क्रॉस 1 वो 1 ही हासिल होता है, 1 किसी जी का ही एलिमेंट है। अगर क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाएगी, तो जो 1 एलिमेंट है वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। हर देखें 1 का इनवर्स कौन सा है, वो स्टूडेंट्स हमारे पास 1 है, 1 का इनवर्स 1 है। क्या आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स, एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। तो हर एक एलिमेंट खुद का इनवर्स है, तो इनवर्स प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है, तो कमोटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर लेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 क्रॉस 1 करें, ये इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 क्रॉस 1 के, या अगर आप देखें स्टूडेंट्स माइनस 1 क्रॉस 1 कर लें तब ये इक्वल रहेंगे स्टूडेंट्स माइनस 1 क्रॉस 1। मीन ये स्टूडेंट्स 5 प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहा है ये सेट जी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, इन 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। इन जो जी सेट होगा विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन इज एन अबेलियन ग्रुप, ये क्या बनाएगा, एक अबेलियन ग्रुप बनाएगा। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 6, सेट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ओवर इंटीजर्स अंडर मैट्रिक्स एडिशन वुड बी अनदर एग्जांपल ऑफ अबेलियन ग्रुप। ये आपने स्टूडेंट्स याद रखना है कि 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 जितने भी स्टूडेंट्स मैट्रिक्स होंगे ये सारे के सारे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक अबेलियन ग्रुप बनाएंगे। ये भी आपने याद रखना है कि ये जितने भी 2x2 मैट्रिक्स होंगे ओवर इंटीजर्स अंडर मैट्रिक्स एडिशन ये क्या होंगे, अबेलियन ग्रुप्स होंगे। तो हम यहाँ पर इसको चेक भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा हूँ क्लियर प्रॉपर्टी, तो मैंने 2x2 कोई से 2 मैट्रिक्स ले लिए हैं, ये भी 2x2 मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 मैट्रिक्स है। अगर आप इनको ऐड करें तो जो हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल रहा है ये भी एक 2x2 मैट्रिक्स है, यानी अगेन 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। मेन जो स्टूडेंट्स ये जो मैट्रिक्स होगा वो 2x2 मैट्रिक्स के यानी सेट से ही बिलोंग करेगा, यानी ये क्लियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। अगर आप कोई से और मैट्रिक्स ले लें उनको अगर आप ऐड करें तो हमें रिजल्टेंट मिलेगा वो भी हमारे पास क्या होगा, 2x2 मैट्रिक्स हो, यानी आप यहाँ पर 2x2 मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, यानी 2 रोज 2 कॉलम्स। तो आप इसके अलावा बाकी मैट्रिक्स को चेक नहीं कर सकते, यहाँ पर यही बात बताई गई है कि 2x2 मैट्रिक्स, इनके अलावा मैट्रिक्स की बात मैं नहीं कर रहा। तो आप 2x2 मैट्रिक्स को लें, इन दोनों को ऐड करें तो हमें जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो भी 2x2 मैट्रिक्स होगा, मीन क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 3 मैट्रिक्स लिए हैं, सारे के सारे 2x2 मैट्रिक्स हैं, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने इस तरह लिख सकता हूँ। तो देखें अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो ये आंसर आता है, तो फिर आप इन दोनों को ऐड करें तो ये आंसर आता है। इस तरह पहले आप इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करें तो ये इनका आंसर आता है, फिर आप इसी मैट्रिक्स को इसमें ऐड करें तो फिर ये आंसर आता है। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल्स हैं, मीन एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही है, और ये जो हमें रिजल्टेंट मिले हैं वेक्टर मैट्रिक्स ये भी 2x2 मैट्रिक्स ही है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है स्टूडेंट्स 0 मैट्रिक्स, ये यहाँ पर क्या होगा, एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अब इनवर्स फॉर एग्जांपल इस एलिमेंट का देखें, ये हमारा इसका इनवर्स होगा, तो आप इनवर्स को भी फाइंड कर सकते हैं इस मैट्रिक्स का, और हमारे पास यही मैट्रिक्स आएगा, तो ये उसका इनवर्स होगा इस मैट्रिक्स का। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करें स्टूडेंट्स तो हमें रिजल्ट का मिलता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, ठीक है स्टूडेंट्स।
अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये 1 - 1 0 आ जाएगा, 2 - 2 0, 3 - 3 0, 4 - 4 0। तो ये हमें क्या रिजल्ट मिलता है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। तो ये यानी इनवर्स प्रॉपर्टी आइडेंटिटी और प्लेयर एसोसिएटिव, ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर सकते हैं, हो सकती है। तो अगर आप कोई से दो मैट्रिक्स को ऐड करें, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप इनको ऐड करते हैं तो हमें ये रिजल्ट मिलता है, अगर आप इनकी जगह रिप्लेस कर दें तब भी हमें वही मैट्रिक्स मिला। मीन ये पांच प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, 2x2 मैट्रिक्सेस ओवर इंटीजर्स अंडर मैट्रिक्स एडिशन, ये क्या होंगे, अबेलियन ग्रुप्स। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7, सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स फॉर्म अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। अब जो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं स्टूडेंट्स, वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एक ग्रुप बनाते हैं। तो अगर आप देखें, ये कोई से दो हमने लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिए हैं, ये नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो अगेन हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ सकता है। मेन ये क्लियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, अगर क्लियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है स्टूडेंट्स तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। अगर यानी क्लियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है देन आप ये भी कह सकते हैं कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी वो भी सेटिस्फाई होगी। अगर आप कोई से तीन ले लें कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगर आप उनको मल्टीप्लाई करें तो अगेन हमें दोबारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह यहाँ पर देखें आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो आप वन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में। तो ये हमारे पास क्या होगी, एक आइडेंटिटी होगी, और देखें इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका इनवर्स क्या होगा, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अल्टा बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होगा, इसका इनवर्स होगा। अगर आप इन दोनों को फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस एलिमेंट को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या हासिल होनी चाहिए, आइडेंटिटी हासिल होनी चाहिए। देखें आप मल्टीप्लाई करके देख लें, यहाँ पर मैंने सॉल्व किया हुआ है तो इस एलिमेंट को मैं उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो देखें क्या आता है, ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आयोटा ए बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आयोटा ए बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखें ये सेकेंड टर्म से थर्ड टर्म कैंसिल हो जाएगी तो बाकी क्या आएगा, यानी आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस वन, तो माइनस वन और ये माइनस पॉजिटिव वन हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप इन दोनों को ऐड करें एलसीएम लें तो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, ऊपर भी क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स कैंसिल होके यहाँ पर क्या आएगा वन आएगा, तो वन को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो देखें ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, मीन जो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एक ग्रुप बनाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8, प्रूव दैट सेट ऑफ ऑल nth रूट ऑफ यूनाइटी फॉर्म्स अ फिनाइट अबेलियन ग्रुप। ये जो nth रूट ऑफ यूनाइटी है स्टूडेंट्स, इसको हमने चेक करना है, ये एक फिनाइट अबेलियन ग्रुप बनाता है ऑर्डर n विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब सेट ऑफ nth रूट ऑफ यूनाइटी ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एक अबेलियन ग्रुप बनाता है, इस चीज को हमने यहाँ पर प्रूफ करना है। तो देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको जो हमारे पास nth रूट ऑफ यूनाइटी है इसको स्टूडेंट हम इस फॉर्म में लिखते हैं। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो nth रूट ऑफ यूनाइटी होता है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं स्टूडेंट्स, वन आता है, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, इस तरह के एलिमेंट्स आते हैं। तो हम पहले nth रूट ऑफ यूनाइटी को इस फॉर्म में ले आएंगे, यानी सेट जी की फॉर्म में ले आएंगे। तो कैसे ले आएंगे देखें, अब ये यूनाइटी, यूनाइटी का मतलब क्या होता है, वन,
ये वन का nth रूट है। तो आप वन को किस तरह लिख सकते हैं, a प्लस आयोटा बी, जीरो आयोटा की फॉर्म में हम वन को इस तरह भी लिख सकते हैं, ये इसकी पावर क्या हो जाएगी, वन ओवर n। तो देखें स्टूडेंट्स, ये वन प्लस जीरो आयोटा इसकी पोलर फॉर्म ही आती है स्टूडेंट्स, यानी cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 इसकी पावर 1 ओवर n। तो स्टूडेंट्स देखें, cos 0 हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। तो हम 0 की जगह स्टूडेंट्स हम ये 2 पाई r पुट कर सकते हैं, r इज एनी इंटीजर। तो देखें स्टूडेंट्स, cos 2 पाई हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, sin 2 पाई क्या होता है, 0। तो ये वही हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर आप r की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएंगे तब भी ये जो ऑपरेशन होगी स्टूडेंट्स, ये वाली ये सेटिस्फाई होगी। तो हमने 0 की जगह 2 पाई r रख लिया और 0 की जगह यहाँ पर 2 पाई r इसकी पावर 1 ओवर n। तो बाय यूजिंग डी मोवरीज थ्योरम हम इसको लिख सकते हैं, cos 2 पाई r ओवर n प्लस आयोटा sin 2 पाई r ओवर n बाय यूजिंग दिस थ्योरम। तो हम स्टूडेंट्स इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो क्या आता है, e की पावर 2 पाई r आयोटा ओवर n। तो ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स e की पावर आयोटा 2 पाई ओवर n, यहाँ पर r भी आना है। तो आयोटा 2 पाई r ओवर n, तो ये e की यहाँ पर बन गई फॉर्म। अगर आप r की वैल्यूज पुट करें 0 1 2 अप टू सो ऑन n माइनस 1, तो वी गेट nth रूट ऑफ यूनाइटी। तो हम अगर n की यहाँ पर यहाँ पर अगर हम r की वैल्यूज डिफरेंट पुट करते हैं स्टूडेंट्स, यानी n माइनस 1 तक, तो हमें nth रूट ऑफ यूनाइटी की वैल्यूज मिल गई है, यानी एक सेट मिलेगा g। तो g मेरे पास क्या होगा, पहले आएगा 1, अगर आप यहाँ पर r की जगह 0 पुट करें तो a की पावर 0 1 होता है, पहला एलिमेंट 1 आएगा। आप r की पावर 1 पुट करें तो क्या आता है, 2 पाई आयोटा ओवर n आएगा। अगर आप r की वैल्यू 2 पुट करें तो a की पावर बनेगा 4 पाई आयोटा ओवर n। इस तरह ये आप डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएं n माइनस 1 तक। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ओमेगा किसके इक्वल होता है, a की पावर 2 पाई आयोटा ओवर n होता है। तो यहाँ पर पहली ये वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा आ जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, इस तरह ये ओमेगा क्यूब अप टू सो ऑन ये आ जाएगा स्टूडेंट्स ओमेगा एन माइनस वन। तो देखिए ये स्टूडेंट जो सेट जी है ये nth रूट ऑफ यूनाइटी को शो कर। अगर हमने स्टूडेंट्स क्यूब रूट ऑफ यूनाइटी निकालना हो, क्यूब रूट ऑफ यूनाइटी, तो अब उसमें देखें n की जगह आप क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे। तो अब अगर आप n की जगह 3 यहाँ पर पुट करेंगे, क्योंकि हम ये nth रूट ऑफ यूनाइटी को शो कर रहे हैं, ये जो सेट यहाँ पर बना है ये nth रूट ऑफ यूनाइटी को शो कर रहे हैं। तो अगर आप फॉर एग्जांपल मैं अगर क्यूब रूट निकालना चाहता हूँ, क्यूब रूट ऑफ यूनाइटी, तो वो क्या होगा, आप n की जगह 3 पुट करेंगे तो देखें क्या आता है, 3 माइनस 1 2, यानी जो g होगा क्यूब रूट ऑफ यूनाइटी उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, 1 होगा, ओमेगा होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा, इससे इतने एलिमेंट्स आएंगे। अब जो जब हमने क्यूब रूट ऑफ यूनाइटी निकाला तो ये जो सेट जी है अभी ये nth रूट ऑफ यूनाइटी को शो कर रहा है। तो अब इस चीज को हम यहाँ पर प्रूव करने वाले हैं कि ये एक अभिलेख हो। तो पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। अब देखें क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, कि अगर हम कोई से दो एलिमेंट्स लेते हैं सेट जी से, देन बोथ ए एंड बी आर nth रूट ऑफ यूनाइटी। ये क्योंकि जो सेट है जी ये nth रूट ऑफ यूनाइटी का सेट है, तो जो भी एलिमेंट्स होंगे स्टूडेंट्स वो nth रूट ऑफ यूनाइटी को ही शो करेंगे। देन a की पावर n b 1 होगा, क्योंकि nth रूट ऑफ हमारे पास क्या है, यानी a का nth रूट b 1 होगा और b का nth रूट b क्या होगा, 1। तो अगर हम स्टूडेंट्स क्योंकि a और b क्या है nth रूट ऑफ यूनाइटी है, तो हम उनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a को भी और b को भी। तो नो, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन चेक कर रहे हैं, इस ग्रुप इसको अबेलियन ग्रुप चेक कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ए बी की पावर एन ई किसके इक्वल होगा, देखो
ए की पावर एन के बी की पावर एन के विच इज इक्वल टू 1.1 विच इज इक्वल टू 1 एज ए बी इज एन nth रूट ऑफ यूनाइटी सो ए बी बिलोंग्स टू जी. अगर ए बी nth रूट ऑफ यूनाइटी है, देखें स्टूडेंट्स यहां पर क्या आता है, 1 आता है, मीन जो ए बी होगा वो जी से ही बिलोंग करेगा. देखें स्टूडेंट्स यानी जब हमने ए बी का nth रूट निकाला तो वो क्या आता है, 1 आता है, यानी ए बी की पावर एन वो क्या आता है, 1 आता है. सो ए बी भी जी से ही बिलोंग करेगा. अगर ए बी जी से बिलोंग करते हैं देन ए बी भी जो होगा ए डॉट बी वो भी जी से बिलोंग करते हैं. थस जी इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. यहां पर आप देख सकते हैं कि ए बी की पावर एन जब हमने ये निकाला तो क्या आता है, 1 आता है. मेन जो ए बी होगा ए डॉट बी वो भी जी से ही बिलोंग करते हैं. थस जी इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. नेक्स्ट है एसोसिएट प्रॉपर्टी. अगर ये स्टूडेंट्स यानी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो भी क्या होगी, ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होगी. द एलिमेंट्स ऑफ जी आर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव. अब जो जी के एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्या करती है, होल्ड. नेक्स्ट है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. 1 जी से बिलोंग कर रहा है तो 1 क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट. अब 1 को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो वही एलिमेंट ही हासिल होगा. देयरफॉर 1 इज आइडेंटिटी ऑफ जी. तो जी की क्या होगी, 1 एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा. अब यहां पर हम इनवर्स को कैलकुलेट करेंगे. इनवर्स की प्रॉपर्टी यहां पर सेटिस्फाई करेंगे. एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, द इनवर्स ऑफ 1 इज 1. 1 का तो स्टूडेंट्स इनवर्स हो गया 1. अब हम बाकी एलिमेंट्स का इनवर्स चेक करते हैं. इफ ओमेगा आर, ये कोई एलिमेंट यहां पर मैंने सेट जी से लिया है, ये कोई सा एलिमेंट ओमेगा आर है, ये सेट जी से लिया है. यहां पर आर क्या है स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन 1 लेस देन एन माइनस 1. यानी जो ओमेगा आर है ये कोई भी एलिमेंट है इसका सेट जी का. इज एनी अदर एलिमेंट ऑफ सेट जी देन ओमेगा एन माइनस आर इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ जी. अब अगर स्टूडेंट्स ओमेगा आर एक एन अदर एलिमेंट ऑफ जी है देन ओमेगा एन माइनस आर वो भी क्या होगा, इसी जी का ही एलिमेंट होगा, इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ जी. वेन वी हैव, अगर हम इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें, यानी हम ये शो करने वाले हैं कि ओमेगा आर का ओमेगा एन माइनस आर इनवर्स है. देखें आप इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, बाकी आ जाएगा डब्ल्यू एन. तो एनथ रूट ही आ गया, तो एनथ रूट किसके इक्वल होता है, 1 के. ये हमने देखा था कि ए की पावर एन एनथ रूट किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल. तो ये स्टूडेंट जो ओमेगा एन होगा ये भी 1 के इक्वल, यानी ओमेगा इज एनथ रूट ऑफ यूनाइटी. ओमेगा क्या होता है, एनथ रूट ऑफ यूनाइटी होता है, यहां पर 1 ही आएगा स्टूडेंट्स. तो देखें ओमेगा एन माइनस आर इज द इनवर्स ऑफ ओमेगा आर. जो ओमेगा एन माइनस आर है वो इसी का इनवर्स है. फॉर एग्जांपल हमें पता है कि स्टूडेंट्स ओमेगा क्यूब क्या होता है, वो 1 के इक्वल होता है. अगर मैं ओमेगा का इनवर्स फाइंड करूं तो वो स्टूडेंट्स मेरे पास क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा. ओमेगा स्क्वायर अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब आता है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता, यानी ओमेगा का इनवर्स क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर. यहां पर जो ओमेगा एन माइनस आर है आप इसको समझ लें ओमेगा स्क्वायर, और जो ओमेगा आर है इसको आप समझ लें ओमेगा, यानी यहां पर 1 समझ लें. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं ये स्टूडेंट्स कोई सेट जी क्यूब रूट ऑफ यूनाइटी है, तो यहां पर देखें स्टूडेंट्स एन की जगह 3 होगा, यानी आपको मैं ये चीज ला के दे रहा हूं. अगर हम आर की जगह यहां पर अगर हम 1 पुट करें स्टूडेंट्स, अगर हम सेट जी को क्यूब रूट ऑफ यूनाइटी कंसिडर करें तो एन की जगह 3 आर की जगह 1, तो 3 माइनस 1 स्क्वायर,
ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर यही वाली फॉर्म आ गई, ओमेगा की पावर 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर, ये होता है ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। यानी ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, एक इनवर्स हो। तो यहाँ पर हम जनरल बात कर रहे थे, यहाँ पर ना हमें एन की वैल्यू पता है ना आर की वैल्यू पता है। अगर हम फोर्थ रूट ऑफ यूनाइटी निकालना चाहते हैं, फिफ्थ रूट ऑफ यूनाइटी, क्यूब रूट ऑफ यूनाइटी, तो उस सूरत में स्टूडेंट्स आप इस तरीके से उनके इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इनवर्स प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट कर रही है, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। देखें मल्टीप्लीकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो कम्यूटेटिव। तो अगर आप कोई से दो कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, तो अगर आप उनको रिप्लेस करते हैं तब भी वो वही यानी हमारे पास आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स 1 + 2i, आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स यानी 1 से, तो इसका आंसर यही हमारे पास क्या आएगा, 1 + 2i आएगा। अगर ये इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, अगर आप 1 स्टार्ट में रख लें और 1 + 2i आप इस साइड पर रख लें, तो तब भी आंसर हमारे पास वही आएगा, यानी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होगा। मेन जो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन था कि प्रूव दैट सेट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी, ये क्या है, अबेलियन ग्रुप, ये 5 प्रॉपर्टीज को यानी सेटिस्फाई करे, क्लोजर को एसोसिएटिव आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कम्यूटेटिव। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 9, लेट जी इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड डिफाइन स्टेरे। अब यहाँ पर जो ऑपरेशन है स्टूडेंट्स वो है ए स्टेरे बी विच इज इक्वल टू ए माइनस बी का मॉड। ये आपने याद रखना है, यहाँ पर जो ये जी है इस पर हमने इस ऑपरेशन को स्टेरे को इस तरह डिफाइन किया। अब हमने इस सेट को विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन चेक करना है क्या ये ग्रुप है या नहीं है। देखें अब यहाँ पर हम इसका पहले क्ले टेबल बना लेते हैं। क्ले टेबल क्या होगा, पहले हम यहाँ पर स्टेरे रखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर 0, 1, 2, यहाँ 0, 1, 2। अब हमने दोनों स्टूडेंट्स क्या करना है कि यहाँ पर अगर हम दो एलिमेंट्स लेता हूँ 0 और 0 को, तो 0 स्टेरे 0 क्या होगा, 0 - 0 का मॉड अगेन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम ले रहे हैं 0 और 1 ले रहा हूं, तो 0 स्टेरे 1 क्या होगा, 0 - 1 का मॉड अगेन 1 आएगा। यानी आपने जो भी यहां से एलिमेंट उठाने हैं स्टूडेंट्स, इसको आपने इस ऑपरेशन से गुजारना है। इस ऑपरेशन से गुजारने के बाद जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो आपने यहाँ पर लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल 1 और 1 को मैं यहाँ से पिक कर रहा हूँ, तो 1 स्टेरे 1 इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 - 1 0, 0 का मॉड 0, तो ये 0 आ जाएगा। यानी जब हम इस एलिमेंट और इस एलिमेंट को पिक करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, 0। अगर मैं इसी 1 को और 2 को पिक करूँ तो इसका आंसर 1 आता है। देखें 1 स्टेरे 2 विच इज इक्वल टू 1 - 2, ये -1 तो -1 का मॉड 1, ये 1 आ जाएगा। इस तरह बाकी आप एलिमेंट्स को चेक कर सकते हैं। तो आपने क्ले टेबल बनाने के लिए स्टूडेंट्स आपने इस प्रोसेस को भी देखना है, यानी इस जो ऑपरेशन डिफाइन है आपने इसके अकॉर्डिंग ही आपने इसका क्ले टेबल बनाना, फिर आपने चेक करना है कि बाकी प्रॉपर्टी जो क्लियर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव आइडेंटिटी, यूनिवर्स, इन सबको आपने चेक करना है। तो पहले क्लियर प्रॉपर्टी देख लेते हैं, क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है बिकॉज अगर आप ये दो एलिमेंट्स को मैं लेता हूँ जी से और इस पर मैं स्टेरे ऑपरेशन डिफाइन करता हूँ 0 स्टेरे 1 विच इज इक्वल टू 0 - 1 का मॉड विच इज इक्वल टू 1 और ये 1 जी से बिलोंग कर रहा है। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं कर रही। फॉर एग्जाम्पल अब ये मैंने कोई से 3 एलिमेंट्स पिक किए हैं 1, 1, 2, ये मैंने कोई 3 से एलिमेंट यहाँ से पिक किए हैं जी से। अब इस पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करके देखें, देखें 1 स्टेरे n - 1 स्टेरे 2 विच इज इक्वल टू 1 स्टेरे 1, देखें इसका आंसर क्या आता है 1 स्टेरे 2 का। आप ऑपरेशन अप्लाई करें 1 स्टेरे 2 विच इज इक्वल टू 1 - 2 का मॉड यानी 1 आएगा, तो
तो ये यहाँ पर वन आता है। तो वन स्टेरे वन का रिजल्ट देखें, वन माइनस वन जीरो, तो इसका आंसर क्या आता है, जीरो। अब ये वाली कंडीशन अप्लाई करें, क्योंकि ये हमारे पास क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। पहले आप इस इन दोनों के लिए चेक करते हैं ब्रैकेट, फिर आप इन दोनों के लिए ब्रैकेट चेक करते हैं। तो इसका आंसर देखें स्टूडेंट्स, वन स्टेरे वन का क्या आता है, जीरो। जीरो स्टेरे टू का आंसर क्या आता है, टू आता है। तो ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, नहीं, अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती तो दोनों का रिजल्ट क्या आता था, सेम आना था। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड नहीं करती। नेगेटिव एलिमेंट भी है, जीरो है, आप जीरो को किसी भी एलिमेंट के साथ अगर आप यानी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो वही एलिमेंट आ सकता है। यानी आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, इनवर्स पे एग्जिस्ट कर रहा है, देखें, यानी ए का इनवर्स ए ही होगा, यानी हर एलिमेंट अपना ही इनवर्स होगा। यानी यहाँ पर अगर आप जीरो लेते हैं तो जीरो खुद का इनवर्स होगा, वन खुद का इनवर्स होगा, टू खुद का इनवर्स होगा। तो अब इनवर्स भी ये एग्जिस्ट कर रही है प्रॉपर्टी, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की वजह से ये ग्रुप नहीं बनाए, यानी इस स्टेरियो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग जो सेट जी है ये ग्रुप नहीं बनाएगा, बिकॉज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करे। तो अगर आपको आपने ग्रुप्स चेक करने हो तो आप इन प्रॉपर्टीज को आप लाजमी सेटिस्फाई करेंगे, देन आप कहेंगे कि ये ग्रुप है या नहीं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके मजीद एग्जाम्पल को डिस्कस करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर।